हम बिहार में हैं और यहाँ पे मिट्टी में श्रद्धा से बनाई गई एक स्ट्रक्चर के बाद हम हाथों से बनाए गए ये थर्माकोल पे एक पेंटिंग मैडम कर रही हैं। आइए जानते हैं इस पेंटिंग के पीछे की क्या कहानी है और इसे कैसे बनाया जाता है। मैम, ये कौन सा आर्ट है और ये कैसे आपको इसमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अनुकृति मिश्रा है, मैं भागलपुर से हूँ। मैं सर, ये हम लोगों के भागलपुर के फोक आर्ट मंजूषा आर्ट है। लोग इसे मिथिला पेंटिंग या भी जान रहे हैं, लेकिन क्योंकि मंजूषा अभी सब जानते नहीं हैं तो लोग फेमस नहीं है, तो लोग अभी जो भी आते हैं बस ये पूछते हैं मिथिला पेंटिंग, लेकिन ये मिथिला पेंटिंग नहीं, ये मंजूषा पेंटिंग है। तो आपको ये आर्ट, ये पेंटिंग बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? ये आई थिंक ये भी भगवान बुद्ध की ही पेंटिंग है जी। तो इसको कैसे आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? सर, एक्चुअली ये है ना कि ये हम लोगों का जो फोक आर्ट है वो एक कथा चित्र है, एशिया की पहली कथा चित्र पेंटिंग है, जो कि हमारे भागलपुर अंग प्रदेश में एक पर्व मनाया जाता है बीला बिशरी की, जो कि 17 से 20 अगस्त को चलती है। वो एक पूरे अंग प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। ये उस मंजूषा पेंटिंग मेन वही है कि जो बीला बिशरी की जो कहानी थी वे उस पर आधारित है। तो ये हम लोगों ने भगवान बुद्ध को अभी यहाँ पर हम लोगों को थीम दिया गया, जैसे कि एक मैं दो पेंटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, एक भगवान बुद्ध पे बना रही हूँ और एक समुद्र मंथन जो कि बांसी में था। वो सब जानते हैं कि वो थीम क्या है। हाँ, मैं भी भीला विषरी कहानी पर मैं इसलिए नहीं की क्योंकि वो जानते हैं, सेम जो हम बेसिकली थीम है मैं वही लेके चल रही हूँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ कि जो लोग जान रहे हैं वो जिसे देखने समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या बन रहा है। जहाँ एक तरफ कला और संस्कृति पूरी तरह से विलुप्त हो रहा है, वहाँ से आप कैसे इंस्पायर हुई कि मुझे आर्ट जो है चित्रकारी करनी है? आप अपनी कहानी बताइए हमें। मुझे नहीं मालूम था कि मैं 2010 के बैच की हूँ, मुझे नहीं पता था कि मंजूषा कला है क्या, होता क्या है। मैं उस टाइम 11th में थी तो वहाँ पे दिशा ग्रामीण विकास मंच और नाबार्ड के दोनों मिल करके एक कैंप लगाए थे, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब जगह लगाए थे। तो मैं वहाँ पे थी तो मैंने भी देखा, मैं सोची थी चलो क्या है, चलो ट्रेनिंग मिल रहे हैं। तो मैं जो एक था कि मैं बचपन से पेंटिंग करती थी तो मैंने उसे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। फिर वो मैं जब सीखी तो वहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया, तो उसमें से हम लोगों का फिर 5 लोगों का सिलेक्शन किया गया, 5 लड़कियाँ थी, जो कि फिर हम लोगों ने भागलपुर में 5 दिन का एक मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला, मैं उसमें गई, मैं वहाँ भी गई तो वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैं इस चीज़ में अब मुझे मन लगा कि मैं इसे करूँ, जो कि विलुप्त हो चुकी थी, कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी होगी उस तो इस कला को जीवंत करने में, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो मैंने उस चीज़ को देखा। फिर हम लोगों ने इंटरफेस प्रोग्राम के लिए शांति निकेतन गए। तो ये आप एक तरह से अपनी बिहार की कला और संस्कृति को जीवंत करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और ये पेंटिंग बना रही हैं। वैसे ये पेंटिंग पूरी फाइनल प्रोडक्ट कितने दिन में बन जाता है? सर, उसको फिनिशिंग टच करने में सर 4 से 5 दिन लगते हैं, क्योंकि बारीकी से काम करने होते हैं, तो इस बोर्ड को लेके हम 4 से 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। 4-5 दिन में ये जो है एक जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो ये बताइए, ये कभी ऑक्शन के लिए आपका कोई प्रोडक्ट गया है? कितने में नीलामी होती है या बिकती है आपकी कोई प्रोडक्ट? अभी तो हम लोगों को मार्केट नहीं मिला था, लेकिन अभी सबसे बड़ा इसमें योगदान उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना का है, उनके डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा सर, जो कि इसके पीछे बहुत जोर से पर लगे हुए हैं कि मतलब इसे भी इस जिसे भी जी हाँ हाँ जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग की पहचान, उसी तरह एक मंजूषा को भी वो पहचान दिलाने में लगे हुए हैं जी। तो अभी लगे हुए हैं और हम लोगों का अभी अमेजोन पे पेंटिंग सेल हो रहा है जी। तो मार्केट के लिए हम लोगों के लिए वहाँ पहले CFC सेंटर कुछ कोई नहीं थे कि वहाँ हम लोग एक जगह बैठ के कहाँ काम करें, लेकिन अब वहाँ पे CFC सेंटर खुल रहे हैं, जो कि हम आर्टिस्ट के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, जो कि हम लोगों के लिए एक विलुप्त हो चुकी संस्कृति को फिर से पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार। और ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जिसे मंजूषा पेंटिंग्स कहते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए BK News के साथ। शुक्रिया।